वेलकम टू सपनों का रही से हम अपने सभी दर्शकों को उनके सपने की व्याख्या के फेवरेट चैनल सपनों का रही से पे स्वागत करते हैं। आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं वो है सपने के अंदर गेहूं गंदम देखना। अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर देखता है कि गंदम की फसल अपने समय पर तैयार है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला अपनी लाइफ के अंदर माल पाएगा, उसे बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगी। आप देखिए गेहूं जो है ये बोने से लेकर कटाई तक इस पर किसान को काफी मेहनत करना पड़ती है, उसे इसकी बहुत चिंता करनी पड़ती है, दिन रात ख्याल रखना पड़ता है, तब जाकर ये फसल तैयार होती है। और उस समय भी यानी जब कटाई का समय होता है तब भी किसान बहुत परेशान होता है, लेकिन जब कटकर फसल घर आ जाती है तो फिर किसान बहुत खुश होता है। ऐसे ही गेहूं को देखना, इसके ऊपर रियल लाइफ के अंदर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना, इसके लिए चिंता उठाना यानी लाइफ के लिए चिंता उठाना और उसके बाद लास्ट पर सफलता पाना है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर ये देखता है कि वो गेहूं खाता है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला एक धार्मिक लाइफ बिताएगा और बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी पाएगा। और अगर कोई व्यक्ति सपने में ये देखता है कि वो गेहूं को पकाकर खाता है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले को कोई चिंता पहुंचेगी, वो गम और परेशानियां देखेगा। और अगर कोई व्यक्ति सपने में देखता है कि उसका मुंह और पेट जो है वो गेहूं के दानों से भरा हुआ है और दाने खुश्क हैं तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले की एज और उसकी जो लाइफ है वो एंड हो चुका है, बहुत जल्द उसकी मृत्यु हो जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर देखता है कि वो गेहूं के सिट्टे यानी उसके खोशे खाता है तो इसका मतलब है कि जिस समय जिस जगह पर वो खोशे खाए गए हैं वहां पर गंदम यानी गेहूं का रेट बहुत अप होगा। इसको परचेज करना आम व्यक्तियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर ये देखता है कि उसने गेहूं को बोया है तो इसका मतलब है कि सपना देखी गई जगह पर गेहूं का रेट डाउन होगा और दूसरी जिंदगी की जो चीजें हैं जिन्हें व्यक्ति यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि वो तमाम चीजें जो हैं उनके रेट डाउन होंगे, उनको परचेज करना बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह सपने के अंदर गेहूं का देखना तीन प्रकार पर होता है। एक, जिस पोस्ट पर लाइफ की जिस स्टेज पर आप जीवित हैं उससे गिरना। नंबर दो, नफरत का पाना। नंबर तीन, कुछ प्रॉफिट का प्राप्त होना। अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर ये देखता है कि उसने भुने हुए गेहूं जो हैं वो खाए हैं तो इसका मतलब भी यही है कि सपना देखने वाले को कुछ प्रॉफिट प्राप्त होगी। और अगर कोई देखे कि वो गेहूं अपने समय पे काटता है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले को बहुत सा माल प्राप्त होगा, लेकिन उसे साथ में टेंशन भी मिलेगी। और अगर कोई व्यक्ति सपने में देखे कि वो गेहूं सेल करता है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला अपने धर्म को दुनिया पर कम वक्त देता है, जिसकी वजह से सपना देखने वाला सिर्फ रुपए पैसे की लालच करता है
और अपने धर्म का ख्याल नहीं रखता। मैं आशा करता हूं कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने। अनुमति चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ।